लक्ष्मी नाम की एक औरत थी जिसका घर देवी नदी बांध के नीचे था। इसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। पति के काम करने से घर का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए लक्ष्मी गांव के तहसीलदार साहब के पास काम करती थी, जिससे घर का खर्चा चलता था। लक्ष्मी के पास एक बीघा खेत था, जिसमें किसी तरह से खेती करती है तो धूप के कारण फसल जल जाता है और लगातार बारिश के कारण फसल डूब जाता है। जब लक्ष्मी ब्याह कर आई थी तब गांव में बहुत तेज वर्षा के कारण बाढ़ आ गया था। ठीक उसी तरह आज भी ऐसा ही दिन आ गया है। इस बात से लक्ष्मी चिंतित थी और बोलती है कि यह विपत्ति भी विनाश करेगी। लक्ष्मी के पड़ोस का लड़का गुणनिधि था, जो बहुत पढ़ाकू था। गुणनिधि गांव के लड़कों को इकट्ठा करके स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था और गांव घर जाकर बोलता था कि महानदी की ऊपरी और निचली दोनों छोर पर पानी भर गया है, और बोलता था कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए ययाति केसर महाराजा ने बांध बनवाया था। लक्ष्मी सुनी थी महानदी की ऊपरी छोर संबलपुर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया था। गुण निधि और गांव के लड़के देलई बांध का निगरानी कर रहे हैं और बूढ़े लोग उपदेश दे रहे थे कि जहां कमजोर बांध है वहां मिट्टी डालो। लक्ष्मी के दो लड़कियां और दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम अच्युत था, वह भी बांध बांधने के लिए गया था। गांव के सरपंच ने गुण निधि से बोला कि गांव घर जाकर बोल दो कि सभी सतर्क हो जाओ। लक्ष्मी का घर पुआल और मिट्टी के दीवार के छप्पर का घर था, जो देलई बांध के नजदीक था। लक्ष्मी बाढ़ के बारे में सोचकर चिवड़ा एक बोरे में रख लिया था और कुछ बर्तन भी। लक्ष्मी का दिल जोर कर घबराता था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डर के वजह से गाय और बछड़े का पगहा खोल दी थी। दिन प्रतिदिन पानी बढ़ते जा रही थी। गुण निधि अच्युत शंकर मकरा और चंद्रा गांव में हो करके सतर्क रहो चिल्ला रहा था। सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे थे। गुण निधि गांव के दो लड़कों से बोला कि गांव में जाकर बोल दो सब ऊंचे स्थान पे चले जाओ। यह सुनकर गांव के सभी लोग टीले की ओर दौड़ पड़े और स्कूल तो पानी में डूब चुका था। लक्ष्मी शिव मंदिर के पास बरगद के पेड़ के पास पहुंची। पानी गर्दन से ऊपर हो चुका था। लक्ष्मी बरगद के पेड़ के ऊपर पकड़ कर चढ़ गई। कुछ समय के बाद वह बेहोश हो गई। जब लक्ष्मी को होश आया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया था। एक छोटे बेटे का शव लक्ष्मी के पास आई तो उसे बिना देखे अपने स्तन से लगा ली। वह बच्चा उसका नहीं था। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी।